हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको मुंबई का सबसे स्पेशल डिश बटाटा वड़ा सिखाऊंगी। ये बहुत आसान तरीके से भी बन जाता है और बहुत मज़ेदार भी लगता है, और उसकी चटनी भी बताऊंगी कैसे बनती है। क्यों हाय कर दे, बाय करेगी, हाय नहीं करेगी, बाय लड़की। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले फॉर लेटेस्ट अपडेट। बटाटे वड़े की चटनी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 3 टेबलस्पून कच्चा सिंगदाना और 2 टेबलस्पून घिसा हुआ नारियल, 10 से 12 लहसुन की कलियां और स्वाद अनुसार नमक की आवश्यकता होगी। इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट से ये चटनी एकदम टेस्टी बनकर तैयार होती है। बटाटा वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू। मुंबई स्टाइल बटाटा वड़ा थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा हरी मिर्ची ली है। आप चाहे तो अपने तीखा के हिसाब से हरी मिर्च कम कर सकते हैं। 9 से 10 लहसुन की कलियां, तड़के के लिए राई, हल्दी और हींग। आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं यूज़ किया मैंने। हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 कप मैदा की आवश्यकता होगी हमें, बस। चलिए सबसे पहले हम लाल चटनी बना लेते हैं। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखिए। कढ़ाई हल्का लाल होने के बाद इसमें सफ़ेद तिल डालकर इसे कंटिन्यू चलाते रहें। चटनी बनाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता नहीं होती है, इसे ऐसे ही ड्राई भूनना रहता है हमें। अब आप देख सकते हैं हमारा सफ़ेद तिल कितने अच्छी तरीके से लाल हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल ले। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हर चीज अलग अलग फ्राई करनी है। अगर आप एक साथ सब डाल दोगे तो तिल जल जाएगा और सिंग कच्चा रह जाएगा। अब इसी कढ़ाई में सिंगदाना डाल दे और इसे हल्का ब्राउन होने तक आपको इसी तरह से भूनना है। देखिए आपका सिंगदाना इस तरह से ब्राउन होना चाहिए। अब इसके अंदर सूखा नारियल जो हमने घिस के रखा था वो भी डालकर इसी तरह से इसे ब्राउन कर ले। अब आप देख सकते हैं हमारा नारियल अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, इसे भी एक प्लेट में निकाल ले। अब इसमें लहसुन डाले और इसे भी हल्का ब्राउन कर ले। आप इस तरह से चटनी बनाएंगे तो ये चटनी 15 से 20 दिन एयरटाइट कंटेनर में आराम से रहता है। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट भून चुके हैं, इसे एक प्लेट में थोड़ा ठंडा कर दें। सारे इंग्रेडिएंट ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी ग्राइंडर में डालें। अब इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसका बारीक पेस्ट बना लें। कुछ इस तरह से दिखेगा आपका मसाला। चलिए अब बटाटा वड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी ग्राइंडर में लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसका बारीक पेस्ट बना ले। देखे कुछ इस तरह से। अब हम बटाटा वड़ा के लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरे में बेसन डालें और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालें और जो हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो डाल दें। पेस्ट हमें आधा इसके अंदर यूज़ करना है और आधा बटाटा वड़ा के लिए यूज़ करना है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम स्मूथ लम्प फ्री बैटर बना लें। देखिए कुछ इस तरह से आपको बैटर दिखेगा। गैस को हाई फ्लेम पर रखें और कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। ऑयल लाल होने के बाद इसके अंदर राई और हींग का तड़का दे दें। राई जब क्रैकल होने लगे तब इसके अंदर जो हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो डाल दे और हल्दी पाउडर डालें। अब लहसुन और मिर्ची हल्का सा भून चुका है, इसके अंदर मैश किया हुआ आलू डालें और बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें।
इसे अच्छी तरह से चला दे, मिश्रण एक दूसरे से मिक्स हो जाना चाहिए, इस तरह से आपको चलाना है। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह आपको चलाते रहना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आलू का भी कलर चेंज हो चुका है, कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार हो चुका है हमारा आलू का मसाला। देखिए ये आलू के मिश्रण को थोड़ी देर ठंडा होने दे, फिर जैसा वड़ा का शेप होता है आपको उसी तरह से वड़ा का शेप दे देना है। देखिए कुछ इस तरह से, जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसके अंदर ये वड़ा डालकर अच्छी तरह से बेसन की कोटिंग कर दे इसके ऊपर। गैस को हाई फ्लेम पे रखे और तलने के लिए तेल डाल दे। तेल लाल होने के बाद एक एक करके सारे बटाटा वड़ा डाल दे तेल में। अभी आजकल बाहर बारिश बहुत चल रही है, इसलिए गर्मा गर्म आप वड़ा बनाए और बारिश के मज़े ले। गर्मा गर्म वड़ा बारिश का मज़ा और भी बढ़ा देता है। सारे वड़े डालने के बाद इसे एक बार पलट दे, देखिए इस तरह से। आप अगर इस तरह से वड़ा बनाओगे तो बाहर जैसा ही टेस्ट आता है और मज़ा भी आ जाता है खा के। वड़ा को पकते हुए अभी 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है, आप भी इसी तरह से बनाएं। अब हमारा वड़ा और चटनी बनकर तैयार है, आप भी बनाएं खाएं और अपने अनुभव कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।